हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिनव यादव। एम बी बी एस स्टूडेंट, MLN मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद। दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग NCR। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज एंड टू डिराइव एनर्जी परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़। इसमें हम देखेंगे इनडायरेक्टली क्यों कहा गया है, क्योंकि इनडायरेक्टली इसलिए कहा गया क्योंकि जब हम ETS में देखेंगे तो यहाँ कॉम्प्लेक्स फोर में ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, और वाटर इससे बनता है, और कहीं पूरे ग्लाइकोलिसिस और ETS में कहीं ऑक्सीजन नहीं यूटिलाइज होता है। ये सब चीज़ें एंजाइम के हेल्प से वर्कआउट होती हैं, तो इसलिए यहाँ इनडायरेक्टली कहा गया है, इनडायरेक्टली ऑक्सीजन का यूज होता है। सेकेंड क्वेश्चन, गैस विच रिलीज ड्यूरिंग कैटाबॉलिक रिएक्शन ऑफ रेस्पायरेशन इज। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, CO2। प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फियर विद CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीथिंग। देखिए, ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन में अंतर होता है। ब्रीथिंग जो है O2 CO2 का एक्सचेंज को कहते हैं, और रेस्पायरेशन जो होता है वो अंदर की जो मैकेनिज्म चल रही है रेस्पायरेशन कहते हैं, जिससे CO2 बन रहा है ग्लूकोज से और O2 का यूज करके। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल डिपेंडिंग मेनली ऑन हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे वेरी करती है, इसको अभी हम देखेंगे। इसमें देखिए ये टेबल है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको याद कर लीजिए। अब जैसे रेस्पायरेटरी ऑर्गन है, एग्जाम्पल है, जनरल बॉडी सरफेस पे रेस्पायरेशन करते हैं स्पंजेस, सीलेंट्रेट, फ्लैट वर्म्स। मॉइस्ट क्यूटिकल स्किन से रेस्पायरेशन करते हैं अर्थवाम, फ्रॉग्स। ट्रेकियल ट्यूब से रेस्पायरेशन करते हैं इंसेक्ट्स। गिल से एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, फिशेस। एंड लंग्स से आप लोग जानते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। तो आइए, इसी बेस्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5, डिफ्यूजन ओवर देयर इंटायर बॉडी सरफेस। तो इसका होगा थर्ड, सीलेंट्रेट्स एंड फ्लैट वर्म्स। गिल्स, गिल्स से फोर्थ, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। मॉइस्ट क्यूटिकल 5, अर्थवॉर्म्स। डी ट्रैकियल ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब से होगा इंसेक्ट्स। एंड वैस्कुलाइज बैग, इससे होगा रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। वैस्कुलाइज बैग का यहाँ मतलब है लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। वेरी सिंपल, फेरिंग्स। ग्लॉटिस इज ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स विच इज कवर्ड बाई एपिग्लॉटिस। स्ट्रक्चर विच इज साउंड प्रोडक्शन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। साउंड प्रोडक्शन जिससे होता है लैरिंग से, वो कार्टिलेज से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग सोलोइंग ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाई थिक फाइबरस कार्टिलेजनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस। ट्रू या फॉल्स? ये फॉल्स है, क्योंकि जब आप NCERT पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कवर्ड बाई थिन फाइबरस कार्टिलेजनस फ्लैप। आपको एक एक लाइन बहुत ध्यान से देखनी है NCERT की। ओरिजिन ऑफ राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंकाई अकर एट द लेवल ऑफ T5। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किस लेवल पे होता है। ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल गिव राइज टू ए नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वैस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई। इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग्स आर प्रेजेंट अप टू इनिशियल ब्रोंकियोल्स। ये भी आप NCERT में देखेंगे तो इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग रहती है, उसका टर्मिनल ब्रोंकियोल्स से नहीं रहती रिंग, और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स से एक्सचेंज ऑफ गैसेज भी शुरू हो जाता है, इसके पहले केवल एयर पैसेज के लिए होता है। कंडक्टिंग पार्ट स्टार्ट विथ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल एंड एक्सटेंडेड अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लूरल फ्लूड? प्रोवाइड फ्रिक्शनलेस मोमेंट बिटवीन प्लूरल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, गिव स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट, एक्चुअल साइट फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर इज एक्सचेंज पार्ट। ये देखिए ट्रू स्टेटमेंट। ब्रीथिंग इन्वॉल्व टू स्टेजेस, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड एक्सपायरेशन बाय विच द एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ लंग इज कैरीड आउट बाई ए क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमोसफियर। जब तक प्रेशर ग्रेडियंट नहीं रहेगा
तब तक एयर इन एंड आउट नहीं होगी। निगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग हमारे अंदर होती है, हम लोग अपने अंदर एक निगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं लंग्स में, जिससे अंदर इन आती है, और पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग फ्रॉग में होती है, वो फोर्स प्रेशर से एयर अपने अंदर था। एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्सपायरेशन तभी होगा जब हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा एटमॉस्फेरिक। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मोमेंट कैन बी इंस्टीमेटेड बाई स्पायरोमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे लंग्स के वॉल्यूम और वॉल्यूम से डिफरेंट कैपेसिटीज निकालते हैं, जिससे हमें किसी लंग्स में कोई बीमारी कोई दिक्कत तो नहीं इससे इसका पता चलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम वो होता है जो हम नॉर्मल इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं, जिसकी वैल्यू 500 ml होती है, तो ए का थर्ड। बी का देखेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हम फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं एयर, इसकी वैल्यू होती है 1000 ml से 1100 ml, तो बी का 4 1100 ml। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी वो होती है जो हम मैक्सिमम एयर इंस्पायर कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आती है टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि 2500 से 3000 ml तक होता है, उसको ऐड करेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी 3000 ml, सी का 6। और नेक्स्ट वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी तीन चीज़ का सम होती है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और जिसकी वैल्यू आती है 4200 ml, डी का सेकेंड। नेक्स्ट रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम वो होता है कि एक्सपायर इंस्पायर फोर्सफुली करें, उसके बाद भी अगर हम फोर्सफुली एक्सपायर करें उसके बाद भी हमारे लंग में जो एयर बची रहती है उसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है अप्रॉक्स 1200 ml, दैट इज़ फर्स्ट ई का फर्स्ट। एफ फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी वो होती है जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, मतलब टाइडल वॉल्यूम 500 ml नॉर्मल एक्सपायर इंस्पायर करते हैं, तो हमारे लंग में उसके अलावा जो एयर नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान बची रहती है, तो इसका आ जाएगा 2300 ml। तो ये इसका सम होती है रेसिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का सम होती है। नेक्स्ट सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन ए प्रेशर कॉन्सनट्रेशन ग्रेडियंट, बी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सी थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। ये तीन चीज़ों पे सिंपल डिफ्यूजन बेस्ड होता है। अब देखते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ ए थिक कॉलमनार एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। पहली बात तो गलत, कॉलमनार एपिथेलियम उस जगह आता है जहाँ एब्जॉर्प्शन मिलनी होता है, तो यहाँ रहना चाहिए थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, तो ये ऑप्शन हट गया। बी इंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, ये सही है। सी बेसमेंट सब्सटेंस इन बिटवीन कैपिलरीज एंड एल्वियोलाई, इसका ये एक डायग्राम देख सकते हैं, इसमें एल्वियोलर वॉल शो की गई है एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड इंडोथेलियल सेल ऑफ कैपिलरीज, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ये तीनों मिलकर फॉर्म करती है। लीस्ट अमाउंट ऑफ CO2 इज कैरीड आउट इन डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। CO2 का लीस्ट अमाउंट डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा होता है, मेनली इसको बाइकार्बोनेट के फॉर्म में इसको कैरी किया जाता है। नेक्स्ट फैक्टर दोज इंटरफेयर विथ बाइंडिंग ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन कॉन्सनट्रेशन, टेम्परेचर। O2 डिसोसिएशन कर विच ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर सिग्मोइड शेप का होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन O2 कॉन्सनट्रेशन एंड परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ दिस कर्व इज कॉल्ड डिसोसिएशन कर्व। परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच जब हम कर्व प्लॉट करते हैं तो सिग्मोइड शेप का कर्व आता है, जिसको हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। दिस कर्व इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक PCO2, हाइड्रोजन कॉन्सनट्रेशन, टेम्परेचर ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन। ये मतलब PCO2 का क्या इफेक्ट है, हाइड्रोजन कॉन्सनट्रेशन का क्या इफेक्ट है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, इसको स्टडी करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अब मेनली इसमें कई बार पूछ लिया जाता है शिफ्ट टू लेफ्ट, शिफ्ट टू राइट, कभी लेफ्ट शिफ्ट होगा कभी राइट शिफ्ट होगा, बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आते हैं। शिफ्ट टू लेफ्ट तब होगा जब
अफिनिटी ऑक्सीजन के प्रति इंक्रीज हो जाती है, और शिफ्ट टू राइट जब होता है जब ऑक्सीजन की अफिनिटी डिक्रीज हो जाती है और CO2 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट फैक्टर विच इज़ फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए क्या फेवरेबल है? लेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाई PO2 एंड लो PCO2। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर 5 ml ऑफ O2। ये अक्सर पूछ लिया जाता है एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन। डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बोम्यू हीमोग्लोबिन टेक प्लेस व्हेन, ये कब होगा? जब PCO2 लो होगा और PCO2 हाई होगा, PO2 हाई होगा। एट टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई ड्यू टू कैटाबॉलिज्म ऑफ CO2 डिफ्यूज इनटू ब्लड एंड फॉर्म बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयन। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट हाउ मच अमाउंट ऑफ CO2, 4 ml। ये भी डायरेक्ट याद रखना है। ह्यूमन बींग हैव एबिलिटी टू मेंटेन मॉडरेट द रेस्पायरेटरी रिदम बाय द हेल्प ऑफ न्यूरल सिस्टम, डॉर्सल रूट गैंग्लियन, वेंट्रल रूट गैंग्लियन, सब मेडुलम प्रेजेंट होते हैं। रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लॉन्गाटा रीजन ऑफ ब्रेन, सेंटर विच कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर इज लोकेटेड इन पॉन्स, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जिसको कहा जाता है। कीमो सेंसिटिव एरिया सेंड सिग्नल टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट फॉर रेस्पायरेशन टू रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर। एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी रिसेप्टर कैन रिकोगनाइज चेंज इन CO2 एंड हाइड्रोजन आयन, मेनली कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि CO2 हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन में चेंज को रिकोगनाइज करते हैं, उसके हिसाब से रेस्पायरेटरी रेट को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेटरी रिदम इज़ क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, ट्रू है, क्योंकि जो कीमो सेंसिटिव रिसेप्टर होते हैं जैसे मैं पहले बताया वो CO2 और हाइड्रोजन आयन को ज़्यादा मतलब रिकोगनाइज करते हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन का रोल तो है लेकिन मतलब इनसिग्निफिकेंट है। मतलब ऑक्सीजन अगर डिक्रीज होगी जाहिर सी बात CO2 हाइड्रोजन बढ़ेगी, तो कीमो सेंसिटिव रिसेप्टर इन्हीं को रिकोगनाइज करते हैं, तो इसका रोल जो है इनसिग्निफिकेंट है रेगुलेशन में। मैच कॉलम 1 एंड 2। अस्थमा वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, इम्फाइसिमा एल्वियुलर वॉल डैमेज, ऑक्यूपेशनल रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर, इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। लॉन्ग एक्सपोजर टू डस्ट कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन लीडिंग टू प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू इन लंग्स। आइडेंटिफाई ABC, ये हम डायग्राम पहले भी दिखा चुके हैं। ए बेसमेंट सब्सटेंस है, बी एल्वियुलर वॉल है, सी RBCs। एंड नेक्स्ट ये डायग्राम अभी हम देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम, इसमें जो PCO2 PO2 की वैल्यू इसको याद रखना है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अब जब हम एयर इंस्पायर करेंगे तो एल्विलाइम आते हैं, तो वहाँ देखते हैं PCO2 PO2 की वैल्यू क्या होती है। वहाँ PO2 की वैल्यू 104 mmHg होती है और PCO2 की 40 mmHg। एनसीआरटिक डायग्राम है, इसको डायरेक्ट याद रखें। पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर सिस्टम के ओटा में आता है, फिर यहाँ PO2 की वैल्यू 95 mmHg हो जाती है, PCO2 की 40 mmHg। फिर एक टिशू से पास करता है, वहाँ CO2 O2 एक्सचेंज होता है, फिर यहाँ सिस्टमिक वेन में PO2 40 mmHg, PCO2 45 mmHg। ये डायरेक्ट है, इसको याद रखें। और नेक्स्ट भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं। देख इस डायग्राम में कभी कभी डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाएगा, तो इसमें देखना है मेन इसकी हम लोग तब कर पाएंगे जब देखेंगे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड है कि रिलैक्स्ड। डायफ्राम तब कॉन्ट्रैक्टेड होगा जब इंस्पायरेशन होना रहेगा, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड, रिब्स एंड स्टर्नम रेस्ड, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज, तो इंस्पायरेशन होगा। और नेक्स्ट देखिए यहाँ डायफ्राम रिलैक्स्ड एंड आर्चेस अपवर्ड, तो रिब्स स्टर्नम इन ओरिजिनल पोजिशन है, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स डिक्रीज, तो एयर एक्सपेल्ड आउट ऑफ लंग। थैंक यू।